रिक्वेस्ट। सर हमेशा से आता है कि जब भी दरोगा की वैकेंसी दिया जाता है उसमें प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को नहीं मिलते हैं, कार्बन कॉपी नहीं मिलता है, आंसर की नहीं जारी किया जाता है, इन सारे लेकर तो वैकेंसी तो आए, किन किन बातों में सुधार होना चाहिए? देखिए चार पांच मुद्दे हम लोग के हैं। पहला तो मुद्दा ये है कि पेपर जरूर मिलना चाहिए, पेपर। हाँ, क्योंकि जब आप आउट हो ही जा रहा है तो ऐसा नहीं कि पेपर मिलने से आउट नहीं होगा, तो पहला पेपर मिलना चाहिए। दूसरा, पेपर जहाँ पे एग्जाम हुआ एक हफ्ते के अंदर उसका आंसर की जारी हो जाना चाहिए, और उसमें आपत्ति मांग लेंगे कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति भेज दें। आपत्ति जिस तरह का बीपीएससी के द्वारा, जैसे बीपीएससी और हाई कोर्ट ने भी दिया था, तो आपत्ति दीजिए। उसके बाद जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर जब रिजल्ट दीजिए तो क्या कट ऑफ गया और किस बच्चे ने कितना नंबर पाया ये बता दिया जाए। रॉ मार्क्स जिस तरह से रेलवे के द्वारा दिया जाता है, रॉ मार्क्स दिया जाए, इसमें चूंकि इसमें परसेंटाइल नॉर्मली अगर नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट नंबर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए करते हैं तो परसेंटाइल में बता दिए रॉ नंबर वगैरह। तीसरा हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा कि लड़कों के मन में जो भी जो है भ्रांतियाँ वो खत्म हो जाएंगी। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है। जिस दिन से बिहार पुलिस की भर्ती आई है यानी वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ह्यूज अमाउंट में है, बहुत अधिक संख्या में है, तो दरोगा अभ्यर्थी में भी ये जानने का जिज्ञासा है कि उनका कब तक निकाली जाएगी और कब तक उनका कितना सीट रहेगा ये भी जान जाइए। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे रामांशु सर से, चूंकि ये लगातार हमेशा देखते हुए एक डेट दे देते हैं और बताते हैं इतना ही तक आएगा, कभी नहीं होगा। पहले भी इन्होंने कई बार बोला था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, इन्होंने साफ कहा नहीं आएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर आप एग्जैक्ट बता देते हैं, पता ना कहाँ से क्या है कैसे है, दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी? नहीं मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा भाई, मैं ना बताने का एग्जैक्ट डेट देता हूँ, आने का नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं। कारण क्या है कि चूंकि मैं प्रशासन में काम किया हूँ तो मैंने इन बहुत सारी चीज़ों को सचिवालय में देखा है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे पुलिस की वैकेंसी इतनी बड़ी आ गई, 21,000 करीब आ गई, लेकिन पुलिस की भर्ती से काम नहीं चलने वाला, अभी दरोगा की बहुत तगड़ी वैकेंसी आनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि 183 दरोगा होने चाहिए, मतलब पुलिस वाले जो होने चाहिए, लेकिन जो है 86 ही हैं, तो बाकी सब पुलिस कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए भर्ती आप ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दरोगाओं की भर्ती इसलिए लेनी है कि एक तो जो है मद्य निषेध में, फिर आप कह रहे हैं कि जो है नदी वाले बनाएंगे, खनन विभाग कह रहे हैं वो बनाएंगे, तो इस तरह के कई जो है आप जो साइबर सेल बना रहे हैं और उसके लिए आपने काम शुरू भी कर दिया है, थाने का अपग्रेडेशन भी शुरू हो गया है, जीप खरीदने की बात हो रही है, बंदूक खरीदने की बात हो रही है, तो जब ये खरीदेंगे तो इसका यूज़ कौन करेगा, इसको यूज़ करने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि, और मुझे विश्वास है, मैं रिक्वेस्ट किया, मैं बहुत विश्वास है कि जिस प्रकार ये पुलिस की वैकेंसी निकली है ना, बहुत ही जल्दी लगभग 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में दरोगा की वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। जो 1288 की आप लोगों ने कहानी सुना रखी है ना, वो 1288 उनके मुँह से निकला, कोई 1288 को एग्जैक्ट नहीं होता कि हम कसम खा रखे हैं ब्रह्मा ने बना के भेजा है 1288 के लकीर, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो वास्तव में पुलिस की बहुत कमी है, आज भी ये भर्ती लगातार जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है भाई, और ये भी जनसंख्या का अनुपात आप कौन सा ले रहे हैं, 2011 से पहले का ले रहे हैं, ये तो 11 वाला ले ले तो उसी से काम हो जाए, 11 वाला भी नहीं ले रहे हैं आप, 1991 और जो है 2001 के पहले का जनसंख्या ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। और आप जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार क्राइम वगैरह सब होता रहा है, जिस प्रकार बहुत नए प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, उसमें नए स्मार्ट लड़के चाहिए, तो उसके भर्ती के लिए सरकार को प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और बेचारे बच्चे जो है पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, वो बेचारे जो है दौड़ दौड़ के अपना शरीर सुखा दिए हैं सब, और पढ़ पढ़ के उन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ना ही कोई टीचर बोल रहा है और ना ही कोई जो है उनका समर्थक बोल रहा है कि टीचर वैकेंसी आनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और जो भी भर्ती आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के इस डिमांड को देखा जाए और जल्द से जल्दी जून में नहीं तो कम से कम जुलाई में ही दरोगा की वैकेंसी जरूर निकाली जाए, और कम से कम 2 से 2,500 के बीच में, ताकि लड़कों को सर्टिफिकेशन मिल सके और उसमें किसी भी प्रकार की कोई चोरी धांधली ना हो और ईमानदारी से हो, यही मेरा। सर जो भी दरोगा अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, चूंकि वो लगातार कई एक साल से तैयारी, कई एक साल कहने का मतलब हुआ एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़िएगा तो उब जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल में जाके पॉइंट से छट गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी तो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उब जा रहे हैं, वो क्या करें? देखिए जो फिजिकल वाले हैं, फिजिकल मेंटेन किया जा सकता है, अगर आप रेगुलर केवल दौड़ते हैं ना तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रखिए, दरोगा बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत जो पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो चुके हैं तो अब नया क्या चीज़ पढ़ें, तो नए में पहला तो ये है कि अगर जैसे टीचर का बीपीएससी ले रहा है तो हो सकता है कि दरोगा पुलिस के में भी थोड़ा, दरोगा में मुझे लगता है चेंज जरूर आना चाहिए, और कोर्स में थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आएगा,
तो बेहतर ये है कि एनसीईआरटी बेट जो बेस्ट जो कुछ मार्केट में उपलब्ध हैं उनको सॉल्व कीजिए, और आप सिर्फ घटना चक्र और टीचरों के क्वेश्चन पर डिपेंड ना रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सब रेलवे का डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर कहीं पर टेस्ट हो रहा है, कहीं क्वेश्चन किए जा रहे हैं, या खुद ही आप लोग तो ग्रुप बना के आप लोग पढ़ते ही हैं सारे के सारे, तो आप लोग आज सोच लीजिए कि हम क्लास सेवन के एनसीईआरटी का हम टेस्ट लेंगे, और अपने से आप क्वेश्चन बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए, सारे के सारे एनसीईआरटी कर जाइए, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा तो बाकी सब तो घटना तो आप रट चुके हैं, लूसेंट रट लिए हैं, और सारे टीचरों का नोट्स रट लिए हैं, और बहुत सारी फालतू चीज़ें भी पढ़ ली जो एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो कम से कम आप काम वाली चीज़ें पढ़ लीजिए, और कम से कम एनसीईआरटी बेस्ड बना के उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि पढ़ने में मन भी लगे और कुछ नई नई चीज़ें आप सीख सकें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, आपका कोई अगर कमेंट बॉक्स देना है, सुझाव भी देना है, तो आप एग्जाम टूर को सुझाव दे सकते हैं, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।